यही पे वो मैं चुप कर। रिश्ता मंजूर है भैया इसके लिए? देखो इतना सुंदर गोरा चिट्टा। हाँ देखिए पापा बैठ के समी के इंतजार में। तो ये ढूंढ ली हमने दाणी के लिए बुआरी। मेकअप करवाना है तो चलो ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सोने एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। हो चुके हैं मेरे एक नए ब्लॉग की शुरुआत एक नए लिंक के साथ। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अगस्त मुनि से, थोड़ी दूर दिल्ली से। हम आए थे मार्केट की तरफ, कुछ काम था तो मैंने सोचा वहीं से थोड़ा दिल्ली की तरफ चले जाते हैं और वहाँ से थोड़ा सब्जी भी ले आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं काफ़ी हद तक प्लान कर चुके हैं यहाँ के लोग और यहाँ बसे हैं सारे नेपाली, जो कि यहाँ की खेतीबाड़ी सारी नेपालियों के हवाले हो रखी है। उन लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ उगाई रहती हैं और एक ही सीज़न में वो पता नहीं कितनी ज़्यादा सब्जी बेचते होंगे। तो चलिए फिर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या सब्जी हो रखी है आजकल यहाँ पर। ये दो चार खेत यहाँ पर टमाटर किए हैं और यहाँ पे है एक आड़ू का पेड़ भी। सब्जी नहीं भी खा रहे हो आप? सब्जी ठीक है। ये है पहाड़ी आड़ू, अभी ये कच्चे हैं, खाने लायक हुए नहीं, पर जब ये पक जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं, स्वादिष्ट एकदम। यहाँ पे भी ये सारे टमाटर ही बो रखे हैं इन लोगों ने। और यहाँ पे हैं छोटे छोटे मक्की के पौधे, जिसे गढ़वाली में मुंगरी बोलते हैं, भुट्टा भी बोल सकते हैं आप लोग। तो अभी ये काफ़ी छोटे हो रखे हैं, कुछ टाइम बाद ये भी हो जाएंगे। और ये है अमरूद का पेड़ जिस पर छोटे छोटे अमरूद भी लगे हुए हैं। तो ये है दोस्तों नेपालियों का डेरा, ऐसे डेरे में रहते हैं वो लोग। यहाँ पर तराजू तुरुजू की सारी व्यवस्था हो रखी है। अभी इनका डेरा एकदम बंद है क्योंकि ये लोग जा रखे होंगे खेतों में, ऊपर से वो कद्दू की बेल भी जा रखी है इनके डेरे के ऊपर। और ये कर रखा है इन्होंने यहाँ पे पानी की व्यवस्था, जो भी बारिश का पानी होता है इसमें इकट्ठा हो जाता है और वह सब्जियों में। वो है उधर पे लौकी की कुछ बेलें। रास्ता किधर से? दोस्तों नेपालियों ने यहाँ काफ़ी अच्छी तरक्की कर रखी है। यहाँ पे बहुत सारी मतलब बहुत प्रकार की सब्जियाँ उगा रखी है और पानी की व्यवस्था भी पता नहीं कहाँ से कर रखी है इन लोगों ने। और मेरे साथ जो भी थे वो सारे पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ अता पता नहीं है उनका। तो चलो मैं भी चलती हूँ फिर, जब उन लोगों से मिलूँगी तभी मुझे भी आगे का रास्ता पता चलेगा। तो यहाँ से उधर का व्यू भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, उधर रोड के उस साइड को, वहाँ का नाम भी शायद सिल्ली है। और इस साइड ये सारी ज़मीन नेपालियों के हवाले है, उन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सब्जियाँ उगा रखी है। तो हमारे उत्तराखंड के लोग प्लान कर रहे हैं और नेपाली यहाँ आके अपना अच्छा खासा बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, बंजर रहने से अच्छा है कि किसी के काम तो आ रहा है। और उसमें यह है कि ये एक ही सीज़न में पता नहीं कितनी सब्जियां बिकाते हैं मार्केट में। इन लोगों मक्के की खेती काफ़ी अधिक मात्रा में कर रखी है और ये है इन लोगों के डेरे और ये है इनकी सब्जी ले जाने की ट्रे। मेरे साथ क्या रखे थे कुछ लोग आए यहाँ पे आगे जा रखे, आपने भी खा रहे हो सब्जी? ठीक है, आपने भी खा रहे हो क्या सब्जी? सब्जी भी खा रहे हो? आगे जाओ, सामने निकल। वो मेरे साथ आ रखे थे जो, वो कहाँ गए होंगे? दो चार लोग आ रखे थे ना, वो आए होंगे आगे देखो। तो आप लोग नहीं बिका रहे हो? आप लोग नहीं दे रहे हो सब्जी? हम आज नहीं निकाला। अच्छा आज नहीं निकाला। यहाँ पे इन लोगों ने अपने लिए पानी की व्यवस्था भी कर रखी है ना। और ये है सारी बैंगन की खेती जो कि काफ़ी अच्छी हो रखी है, इस पर छोटे छोटे बैंगन भी लगे हुए हैं और फूल भी लगे हुए हैं, देख सकते हो दोस्तों आप कितना अच्छा। और ये है शायद क्रॉकरी, नहीं पता, ये है ये वाली सब्जी। ये देख सकते हो आप टमाटर की पैदावार भी काफ़ी अच्छी हो रखी है, ये सारा खेत टमाटर ही का है। पीछे उधर सारी टमाटर की खेती हो रखी है और ये है कुछ दाल, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता यहाँ। सब्जी नहीं बिका रहे हो? अच्छा भाई आप कितनी सब्जी बिकाते हो एक सीजन में?
अभी ये तो पते नहीं चल रहा है ना, वो मौसम का वजह से, जैसे इस बार मौसम। हाँ, लेकिन कुछ अंदाजा तो होगा, जैसे हर साल कितने की बिका लेते हो? साठ ही नहीं दिया, अभी तो बोल नहीं पा रहा। इस साल नहीं, पिछले साल कितने तक की सब्जी? पिछले साल मैंने किया नहीं, अभी इस साल से शुरू है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जब तक बैठो। हाँ ठीक है, आओ तब सब्जी निकाल के। कुछ लोग यहाँ भी टमाटर निकाले हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। जी निकाल लिया टमाटर, कैसे और क्या आपकी खेती इस बार टमाटर की? अच्छी और की ना, बिका रहे हो, हंस रहे हो। लोग निकाले हैं टमाटर जो कि काफ़ी अच्छी हो रखे हैं, और मेरे साथ जो आ रखे थे वो लोग जा रखे हैं ऊपर पे, तो मैं भी चलती हूँ। टमाटर सड़क हैं इनके बारिश की वजह से। दोस्तों फाइनली मिल चुके हैं मुझे मेरे साथी, और मैं अभी जा रही हूँ उनके साथ। देखते हैं इन लोगों ने सब्जी खरीदी कि नहीं। यहाँ पे आ रखे हैं सारे लोग, इन्होंने मेरे को ये देखो फ्री में मांग रहे हैं लोगों से खीरा, तब बोले कि कंजूस हैं। फ्री में मांगा ना बेटा, इन्होंने पैसे भी दिए। चलो अंकल से एक पैकेट कुरकुरा का मांगो अब। हाँ जी खीरा, हाँ भाई खाऊंगी। सालू हो रखी है काफी खुश। सालू कैसा लग रहा तुझे यहाँ के? ये लोग खुद ही निकाल रहे हैं खीरा और खा रहे हैं। ए हे हे, गिरना मत नीचे। तो ये है नेपालियों का डेरा। मुझे भी दो, मुझे भी दो। और यहाँ पे कर रखी है इन लोगों ने खीरे की बहुत अच्छी खेती। हाँ देख, खीरा नहीं देखा यार मैंने, कैसे होता खीरा? ओ माय गॉड, हाँ देख लिया। यहाँ पे छोटे छोटे भी लगे हुए हैं, मामी बड़े बड़े दिखाओ, और फूल भी लगे हुए हैं अभी काफी बड़े बड़े दिखाओ। हाँ मामी ये देखो, यहाँ पे भी लगे हुए हैं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े खीरा भी लगे हुए हैं, और ये छोटे छोटे भी। इसको मैं तोड़ दूंगी क्योंकि ये खाने में काफ़ी टेस्टी होता है, तो इसलिए मैं खुद ही खा लूँगी। यहाँ पे भी एक बड़ा हुआ खीरा, ये लोग मांग रहे हैं तो मैं इसको भी तोड़ दूँगी। और सारे खीरा की खेती कर रखी है इन लोगों ने, इस साइड भी और ऊपर की साइड तो बड़े बड़े हैं। यहाँ छोटे छोटे बेल हो रखी है, और यहाँ पर है बैंगन की खेती। इन पर भी आप देख सकते हो लगे हुए हैं छोटे छोटे बैंगन, बड़े बड़े ये लोग निकाल देते हैं और मार्केट में सेल कर देते हैं। तो बैंगन की भी काफ़ी अच्छी पैदावार हो रखी है, और ऊपर की साइड को भी खीरा। और ये यहाँ पे बैंगन की भी काफ़ी अच्छी पैदावार हो रखी है। आप देख सकते हो भरी ये लोग खेतों में ही रहते हैं। निकाली सब्जी, क्या निकाल रखा? खीरा। खीरा लोग वहाँ नीचे पे रहते हैं, उनका डेरा वहाँ पे है, और कुछ लोगों का यहाँ पे और कुछ लोगों का वहाँ पे। तो यहाँ काफ़ी बड़े बड़े खेत भी हैं। नहीं यार यही है, वो दे 8 साल का, उसको चाहिए 9 साल के बीच। तो ये ढूंढ ली हमने दाणी के लिए बुआरी। सालो ने मांग भर रखी है, नहीं सालो? हाँ तो मतलब किससे हुई है? इसके साथ ही होगा क्योंकि इसने मांग पहन रखी। किसने याद है इसके साथ? रामपुर। वहाँ पे आ रहे हैं आदि के ससुर जी। किसके ससुर जी हैं तब? हाँ देखिए पापा बैठ के समी के इंतजार में। बहुत ज्यादा आ चुके हैं वो लोग सब्जी निकाल के। आदमी का जिंदगी नहीं है, देखो तो भाई। नहीं बहुत बहुत मचे, मैं मजाक नहीं कर रहा, पर सुकून है। नहीं जा, इसके लिए ढूंढ रखी है हमने आपकी लड़की, आपको रिश्ता मंजूर है भैया? इसके लिए देखो इतना सुंदर गोरा चिट्टा। हाँ हाँ लेना लो। तो हमने आदि के लिए ढूंढ दिए हमने लिए है। बीन्स भी 25, बीन्स कितने रुपए किलो है? 50 रुपए। 50 टमाटर बैंगन कद्दू तराजू खतरनाक रखा है। टमाटर ठीक रखे हैं।
हाँ अच्छा है। कितने की हुई इनकी सब्जी? बढ़िया 245। तुम्हारे कितने हुए थे? 240। ले लिए हमने सब्जी। मर गया है बैग, इसने तो इतना बड़ा बैग भर रखा है। उनका हो रहा है वहाँ पे हिसाब किताब। ठीक है तो बाय। ठीक है बाय। जा रहे हैं हम यहाँ से वापस। और मोटी का बैग तो बहुत भारी हो गया आज। अब वो बैग तो कम के लगा है। ऐसे में पकड़ रखा मैंने, बहुत भारी हो रहा। ये देखो बच्चे बहुत आगे चले गए। अच्छा सारे ट्रे भर भर के रखे हैं इन लोगों ने यहाँ पे मार्केट में सेल करने के लिए। और के ना मक्के, पिछली बार हम आपसे ही ले गए थे ना सब्जी। लौकी भी नहीं है? एकदम सा मनमोहक दृश्य। लंबे वाले कद्दू लगते ना, एकदम मस्त हो रही थी। ये तो सिर्फ घास के लिए होगा ना। कद्दू थी ना इनमें, भिंडी और कोदू। ये चुआ हुई ना, चुआ मुंगरी, ये तोर की दाल भट्टे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रोड के ऊपर। बच्चे तो पहले ही पहुंच गए हैं उधर गाड़ी में, उधर मोटी भी लगी है रास्ते। ये है सिल्लीघा मार्केट और यहाँ पे लगी है हमारी गाड़ी। और आज तो नदी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखी ना। बस और ये लोग कर रहे हैं आउटडोर कुकिंग। शायद उन्होंने बस में ही ला रखा है सारा सामान खाने पीने का और खुद ही खाना बना के खा रहे हैं वहाँ पर। पता नहीं कहाँ की होगी ये बस, नंबर देख के बताती हूँ। फिर लोग आ रखे हैं राजस्थान। हाय, बहुत गर्मी हो गई है। कैसा लग रहा सालों तो जा रही है? ठंडी ठंडी हवा आ रही ना। सालों के पापा ने यहाँ पे खाई वाला गाना लगा रखा है। सालों तेरे पापा ऐसे गाने क्यों सुन रहे हैं? खाना पीना भी बना लिया है, अब है खाने की तैयारी। और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। अनु गर्मी लग रही तुझे? हाँ। कितनी? बहुत। अनु भी बहुत परेशान हो गई गर्मी से, क्या करें। अब तेरे बाल कटा दूंगी मैं आज, ठीक है? मत कटाओ। दो तीन दिन से लगातार ऐसा हो रहा है कि सुबह उठ रहे हैं तो लग रहा है कि आज तो बारिश पक्का होगी, बट बारिश हो ही नहीं रही है। मौसम भी वैसे ख़राब हो रखा है, आसमान में काफ़ी बादल लगे हुए हैं, पर क्या करें बारिश हो ही नहीं रही है। उमस टाइप की हो रही है यहाँ, शायद केदारनाथ की तरफ कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इसलिए आज जब सुबह उठी मैंने नदी देखी तो नदी का मतलब जल स्तर काफ़ी बड़ा हुआ था और पानी गंदा भी हो रखा था बारिश की वजह से। पता नहीं अगस्त मुनि में ऐसा क्या हो गया,
जो बारिश नहीं हो रही है यहाँ। हल्के तो खाते हैं खाना पीना, अभी कुछ तो टाइम हो चुका है शाम के 6:30 और मैं और चिंकू जा रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे चिंकू? हाँ कहाँ जा रहे? कटिंग करने वाला आज हम जा रहे हैं अभी अनु के बालों की कटिंग करवाने। अनु कटा दे तेरे बाल करवानी है फिर कटिंग? नहीं। क्यों? अनु बिल्कुल मना कर रही है कटिंग करवाने के लिए। अनु कर देते यार, अभी अच्छे नहीं हो गए तेरे बाल, जब कटिंग करवाएंगे तब मस्त लगेगा। अनु तू नहीं कटिंग करवा के तो और भी अच्छी लगेगी। तुम मेकअप करवाना है तो चलो ठीक है, बाल नहीं कटाएंगे मेकअप करवाएंगे ठीक है। हाँ और बाल भी कटवाने नहीं करूँ, मेकअप करवाना है ठीक है। चलो आगे देखो आप, हाथ नीचे रखो, आंसू भी अन्नू का करो, रो मत भाई अन्नू, यही पे हो मैं चुप कर भी नहीं।